तो बच्चों देखना, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सूडो फोर्स, फिक्टिटियस फोर्स, इसे फिक्सियस फोर्स भी कहते हैं लोग, ठीक है ना। कुछ लोग फिक्टिटियस फोर्स कहते हैं, कुछ लोग फिक्सियस फोर्स कहते हैं, ठीक। तो आपने देखा होगा जब आप किसी कार में होते हैं और कार एक्सेलरेटेड होता है, ये कार कैसे एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड जब आप किसी कार में होते हैं, यहां मान लो कि आप हैं, जब आप किसी कार में होते हैं और कार एक्सेलरेटेड होता है तो आप फील करते हैं कि आपको पीछे की ओर कोई धकेल रहा है, ऐसे पीछे की ओर कोई धकेल रहा। या आप अगर किसी लिफ्ट में हैं, अगर लिफ्ट क्या है कि ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नीचे की ओर धकेल रहा है, यानी आपका वेट बढ़ता जा रहा है। और जब आप किसी राइड्स में होते, सर्कुलर राइड्स में यानी झूले में होते हैं, अगर ये सर्कुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो आपको ये लगता है कि आपको कोई बाहर की ओर क्या कर रहा है, धकेल रहा है, बाहर की ओर धकेल रहा है। तो ये कौन धकेल रहा है? तो यानी इसका मतलब आप पर एक मैजिकल फोर्स लग रहा है जिसे आप केवल फील कर रहे हैं। इसी मैजिकल फोर्स को सूडो फोर्स या फिक्टिटियस फोर्स या फिक्सियस फोर्स कहते हैं। आप याद करो तो अगर गाड़ी चली तो आप क्या करते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं, अगर ब्रेक लगी तो आगे की ओर आ जाते हैं, या लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही तो आप ऐसा लगता है आपका वेट बढ़ता जा रहा है, और झूला चलता रहता तो ऐसा लगता कि आप बाहर की ओर कोई धकेल दे रहा है आपको। तो इन ऑब्जेक्ट पर जो क्या कहते हैं कि एक मैजिकल फोर्स लगता है, उसी मैजिकल फोर्स को क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स, फिक्सियस फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। यानी हिंदी में आपने पढ़ा होगा आभासी बल, छद्म बल, याद आ रहा है ना। तो आइए देखते हैं ये कैसे क्रिएट होता है। तो अगर मान लेते हैं इस कार में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई कार में कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर कोई बैठा है, यहाँ पर कोई मैन बैठा है, अगर कार आगे की ओर क्या कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तो ये पीछे की ओर एक फोर्स असल वो क्या करता है कि फील करता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का जो मास है, मास की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है एनर्सिया की, मास की अपनी प्रॉपर्टी होती क्या, एनर्सिया। एक्चुअली एनर्सिया जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की होती है, बॉडी के अंदर मास है तो मास की एनर्सिया कह सकते हैं, मास की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है एनर्सिया। एनर्सिया क्या कहती, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रही तो चलती ही रहेगी, अगर रुकी है तो वो क्या रहेगी, रुकी ही रहेगी। ओके बच्चों, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से वी चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये कार चल रही है, तो ये जो ऑब्जर्वर है वो भी चलना शुरू कर देगा, वी वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगा, ठीक है ना। उसी वेलोसिटी से चल रहा था, एक पल बाद मतलब कुछ क्षण बाद क्या करते, अगर इसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ जाए, सडनली बढ़ जाए तो होगा क्या, इसको तो पता चला नहीं, अगर ये बढ़ा तो ये क्या करेगा, पीछे की ओर क्या हो जाएगा, इसमें इतनी वेलोसिटी कम है तो ऑब्वियसली ये पीछे रह जाएगा, ये मास, ये जो मैन बैठा है, आदमी बैठा है, वो पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर क्या है, ये सीट नहीं लगी होती तो वो पीछे की ओर गिर जाता, तो इधर आगे की ओर ये सीट उसको क्या करते, धकेल कर ले जाती है। समझिए, यानी वो जिस वेलोसिटी जाती है उसी वेलोसिटी को क्या करती है, मेंटेन बनाए रहती है, यानी खुद उसी ऑब्जेक्ट द्वारा क्या करते, उसी ऑब्जेक्ट के मास के द्वारा उस पर एक क्या करता है, फोर्स लगता है, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स कहते हैं। और ये कितना लगता है, इसी मास के कारण, जिस ऑब्जेक्ट पर लगता है उसी मास के कारण एफ बी बराबर इसका जो मास है, जिस एक्सेलरेशन से हो जा रहा है वो, और मास इसी ऑब्जेक्ट का मास जो होगा यह में, यही इतना फोर्स लगेगा। अगर मैं कह दूं ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगे, तो
अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगे तो बताइए यब बी विल बी इक्वल टू एम ए, एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो हो जाएगा, यब पी विल बी इक्वल टू जीरो। अगर क्या है ये कार क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, ये कोई मैजिकल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यानी ये तब होता है जब ये क्या हो, एक्सीलरेटेड हो रेस्ट में और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब ये मैजिकल फोर्स यानी सूडो फोर्स नहीं लगता। इसका मतलब ये कह सकते हैं जो सूडो फोर्स है, फिक्सियस फोर्स है, ये केवल कब लगता है, जब एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझ गया ना? तो 100 बात की एक बात, ये कब होगा, जब क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या, एक्सेलरेटेड हो, ये क्या हो, बॉडी कैसी हो, एक्सेलरेटेड हो, तभी ये सूडो फोर्स लगेगा। यानी ऑल रोटेटिंग फ्रेम में ही क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, फिक्सियस फोर्स लगेगा। एम आई राइट? समझ गए मेरी बात? तो ऐसे ही क्या करेगा, इधर की ओर क्या करेगा, एक अगर ये लिफ्ट है, एलिवेटर है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मास यम है, तो क्या करेगा, ये ऐसा फील करेगा कि नीचे की ओर कोई फोर्स लगा रहा है। मैंने बताया जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है और खुद के मास के बराबर, यानी ये क्या होगा, पी एम ए हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो लोग माइनस भी कभी कभी लगा देते हैं, ये हो जाएगा। अगर ये क्या है, कांस्टेंट, अब देखिए ये जो सर्कुलर राइट्स है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहां है, यहां जाएगी तो इसकी वेलोसिटी यहां हो जाएगी, यहां जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहां हो जाएगी। ऐसे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से इसमें क्या होगा, एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। जहां एक्सेलरेशन क्रिएट होता है वहां पर क्या होता है कि सूडो फोर्स लगता है। तो आप जानते हैं सर्कुलर, तो ये क्या करेगा, एक अंदर की ओर जो फोर्स लगता है क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या, वी स्क्वायर बाई आर होता है। इसके बाहर की ओर जो फोर्स लगेगा उसी को सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कहिए, चाहे सेंट्रीफ्यूगल सूडो एक्सेलरेशन कहिए। और ये अगर मैं फोर्स निकालना चाहूं तो एफ पी विल बी इक्वल टू एम का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा। यानी सूडो फोर्स क्या होता है कि इसमें सर्कुलर राइट्स में सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वही क्या होता है, सूडो फोर्स होता है। ओके बच्चों, तो आइए इन तीनों को हम क्या करते हैं, ये नोट्स के तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, यानी प्रॉपर हम डिफाइन करेंगे और उसे क्या करते हैं, नोट डाउन करेंगे और एक एक चीज अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। तो ये तो रही बात समझने वाली बात। ओके, तो बच्चों देखिए, सूडो फोर्स, फिक्सियस फोर्स, द फोर्स ड्यू टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड सूडो या फिक्सियस फोर्स। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के कारण जो फोर्स फील होता है, जो मैजिकल फोर्स होता है, उसी को सूडो फोर्स या फिक्सियस फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमने क्या किया, लेट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस एंड यस डैश रिस्पेक्टिवली इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस एंड यस डैश। यस क्या है, इनर्शियल है, यस डैश क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश है, मूविंग विद एक्सेलरेशन ए नॉट, देन फिक्सियस फोर्स और सूडो फोर्स इज कितना हो जाएगा, एफ पी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर विल बी इक्वल टू एम ए नॉट, लोग माइनस भी लगा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है माइनस, यानी जो एक्सेलरेटेड फोर्स होता है उसके क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो आइए हम प्रूव करते हैं एक एक करके, प्रूव, ठीक, प्रूव। तो देखना बच्चों, प्रूफ में देखना, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास यम मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए आई, ठीक। तो हमारे पास देखिए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है,
ठीक है ना, ये क्या है हमारा फेम यस है और दूसरा क्या है यस डैश है, ये क्या है एस डैश है। आप ऐसे भी बना सकते हो, ये यस ऐसे, ये ऐसे, समझ गया ना, यानी यक्स वाई जेड, यक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसे ही बना लिया। ठीक, ये यस फेम है, दूसरा यस डैश है। अब देखना, अब हो क्या रहा है इसमें, ये जो यस डैश फेम ऑफ रेफरेंस है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ए नॉट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और एक पॉइंट क्या है, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसका मास यम है, वो भी क्या कर रहा है, ए आई एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये इसके रिस्पेक्ट में ये फेम भी मूव कर रहा है, और एक पार्टिकल यहां पर है वो भी क्या कर रहा है, ए आई वेलोसिटी से क्या, वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो द वैल्यू ऑफ, देखना द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना हो जाएगा बताइए, यह विल बी इक्वल टू एम ए आई वेक्टर, इसके रिस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं, ये हो जाएगा। ओके, अब बताइए सिमिलरली, सिमिलरली बताइए द वैल्यू ऑफ फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश। तो अब बताइए, अब यस डैश में मैं देखना चाहूंगा, यस डैश में देखूंगा, ठीक है ना, जब यस डैश में देखूंगा तो यफ डैश किस में हो जाएगा, यफ डैश में मैं क्या देखूंगा यहां पर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यम होगा और जो क्या होगा यहां पे मास हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो क्या हो जाएगा, ए माइनस कितना हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा, ए माइनस कितना हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा, क्योंकि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर जाएगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा तो क्या करेगा, यहां पे सूडो फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, एक एक्सेलरेशन आएगा, यानी मैजिकल एक्सेलरेशन। अगर इसे मैं क्या करूं, इसे सॉल्व करूं, यम ए आई माइनस यम ए नॉट, यानी यहां पर देखना आप लोग, एफ डैश विल बी इक्वल टू यम ए आई वेक्टर माइनस यम ए नॉट वेक्टर। अगर मैं इसे पूरा लिखूं तो मैं क्या लिख दूं, इसे इसे लिखूंगा यफ लिखूंगा प्लस यफ पी लिखूंगा, दोनों को कंपेयर करिए, वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू क्या हो जाएगा, जो यफ पी आएगा माइनस यम ए नॉट, यही हमारा क्या है, सूडो फोर्स है, दिस इज सूडो फोर्स, दिस इज सूडो फोर्स, ये माइनस जस्ट क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हो गया बच्चों, अच्छा आपको ये डाउट तो नहीं है घट कैसे गया, आप जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में होती है उसकी एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, रिलेटिव होता है, लेकिन वो क्या होता है, एक दूसरे से सबट्रैक्ट करता है, अपोजिट होते थे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, पता ही नहीं आपको। ये भी पार्टिकल भाई देखिए, ये हम यहां पर देखें, आप यहां पर देखिए पार्टिकल आगे है, ये पीछे है, यानी इससे इससे ये कितना आगे है कैसे पता चले, दिस माइनस दिस करोगे तभी तो पता चलेगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट होते तब क्या होता, ऐड हो जाता। आप याद करो, आपसे कहा जाता है ना, अगर ये क्या है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है
यह 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार जा रहे, तो इसकी वेलोसिटी बताओ इसके रिस्पेक्ट में, क्या करोगे 10 माइनस 5 कहोगे 5 मीटर पर सेकंड। अगर ये क्या 10 मीटर पर सेकंड से इधर क्या कहे 5 मीटर पर सेकंड, तब इसकी वेलोसिटी बता, ये इधर जा रहा 5 किलोमीटर पर सेकंड, क्या 5 मीटर पर सेकंड पीछे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 5, इसको देखने से कितना लगेगा 15 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। तो इसलिए ऐसा हुआ, इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। तो इसे क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स कहते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल तो 3 एग्जाम्पल देखते हैं, अभी जो मैंने समझाया था एग्जाम्पल में वही लेते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, पहला एक्सेलरेटिंग अ कार, एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेटिंग कार। तो मैंने ये मान लिया कि ये कार है, ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, यहां पर मैन बैठा है, तो ये भी क्या करेगा ए एक्सेलरेशन से पीछे जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, जाएगा ना। तो इसको मैं डैश मान लेता हूं या नॉट मान लेता हूं, है उसी से जाएगा और इसका मास यम है, तो आएगा ये जो फोर्स आएगा कितना आ जाएगा, एफ डैश विल बी इक्वल टू कितना आएगा, एम ए माइनस एम ए नॉट। अब मैंने यही बताया था ये एफ था, ये कितना एफ पी था, तो एफ पी कितना हो जाएगा माइनस एम ए नॉट, यही हो जाएगा सूडो फोर्स इस पर, ठीक। सेकंड एग्जांपल देखो, लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, लिफ्ट इज या एक्सेलरेटर अबॉर्ड कह दीजिए, एक्सेलरेटेड अपवर्ड, अपवर्ड ये लिफ्ट है हमारा, यहां पे कोई मैन है, ये ए से जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा mg नीचे की ओर क्या करेगा, एक वेट फील करेगा, ठीक है ना, इसका वेट क्या करता जाएगा इंक्रीज करता जाएगा, ठीक। तो देखना इधर, अब इधर जाएगा तो एक टेंशन भी होता है, ऊपर जा रहा तो ऑब्वियसली क्या होगा t माइनस कितना होगा mg होगा, बराबर m a, a से जा रहा है, t विल बी कष्ट कितना हो जाएगा, तो ये अपवर्ड जा रहा है t माइनस mg बराबर m, तो ये कितना हो जाएगा mg हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेगा, कुछ वेट क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अपरेंट वेट है, तो अपरेंट वेट इसका क्या कितना क्या होता जाएगा, यानी टेंशन बढ़ता जाएगा, इसका मतलब अपरेंट वेट क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक बच्चों। तो यही जो होगा हमारा क्या होगा, सूडो फोर्स हो जाएगा, यानी एफ पी विल बी इक्वल टू एम जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सूडो फोर्स हो जाएगा, जो कि अब देखिए इसमें ये बढ़ता जा रहा है, माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम किसी को। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर, इफ अ पार्टिकल पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा, मूव कर रहा है, देन अ सेंट्रीफ्यूगल
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग रेडियली outward direction is called as pseudo or fictitious force. तो कितना हो जाएगा, अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है ऐसे सर्कुलर मोशन में, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो उसके बाहर की ओर क्या करेगा, अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, बाहर भी क्या करेगा एक फोर्स लगेगा. तो यह विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय कितना आर, तो ये कितना हो जाएगा, बाहर जा रहा है तो बाहर मतलब नेगेटिव ले लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन है ये कह लीजिए, या पी विल बी इक्वल टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर. तो सभी पार्टिकल पे ऐसा क्या करता है, फील होता है फोर्स. ओके बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आ होगा क्यों.